हमीरपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम आदित्य सिंह के उस बयान पर टिप्पणी की, जिसमें विक्रम आदित्य सिंह ने कहा है कि एक परिवार का एक ही सदस्य टिकट के मान्य होना चाहिए। इस पर कौल सिंह ठाकुर ने चुटकी लेते हुए कहा कि विक्रम आदित्य सिंह बताएं कि अभियान अपने पापा को पुश कर दिया है। आदित्य से पूछे आप भाई, क्या ये बात ठीक है या उन्होंने अपने पिताजी को पूछ करके ये बयान दिया है। हमीरपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के उद्घाटन के लिए पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जल्द ही हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि इस साल हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए ना ही जगह मिल पाई है और न कक्षाएं लग पाई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर का दफ्तर जो हमने जो है HP स्कूल एजुकेशन बोर्ड से खरीदा है, उसका विधिवत तौर पे पहले नवरात्रे को उसका उद्घाटन किया गया। और क्योंकि जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ हमने मेडिकल कॉलेज अगले अगस्त से शुरू करना है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चला हुआ है। जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो उस हॉस्पिटल की प्रभारी है और मुझे इस बात की दुख है कि समय पर यहाँ ना हमें मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए भवन मिला, न बच्चों के लिए हॉस्टल मिला। और जो हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन के तहत परमिशन ली है वो परमिशन भी भारत सरकार से बहुत लेट मिली है, इस कारण कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हो चुका है। अब हमें परमिशन मिली है, उस पर जो है अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। वहाँ भवन भी भवन बनाया जाएगा मेडिकल कॉलेज का, हॉस्टल भी वहीं बना दिए जाएंगे, डॉक्टरों के क्वार्टर भी वहाँ बिंदा जाएंगे। और जो हमारा ये जोनल हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल है, उसको भी 300 बिस्तर, फिर उसके बाद 400 बिस्तर और अल्टीमेटली 500 बिस्तर का इसको कर दिया जाएगा, उसके लिए सारा प्रबंध हमने कर दिया। कौल सिंह ठाकुर ने माना कि हमीरपुर क्षेत्रीय अस्पताल में चिकित्सकों की कमी चल रही है, लेकिन इसके लिए नए डॉक्टरों की तैनाती जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तक 3 पदों के लिए डॉक्टरों की ज्वाइनिंग के आदेश दे दिए गए हैं। ठीक है, हमीरपुर हॉस्पिटल में 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, उनकी तैनाती जो है शीघ्र कर दी जाएगी, मेरे ध्यान में है। मेरे ख्याल फाइल में 1 या 2 की मैंने की है, अब मैं उनका देख रहा हूँ कि वो ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो उनके बदले में किसी और को तैनात किया जाएगा। विधायकों और पूर्व विधायकों के नाम पट्टे पर जमीन दिए जाने के मुद्दे पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि व्यक्ति विशेष को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, सरकार ने ये फैसला सोसाइटी के एक्ट के तहत जमीन दी जाएगी और इसका BJP बिना मतलब के विरोध जता रही है। इसमें ऐसा है, सोसाइटियां जो सोसाइटियां बनी हैं, कई किस्म 4-5 सोसाइटी हैं जिन्होंने सोसाइटी के नाम पर जमीन ली है, ये भी एक हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटर और एसलेटर हाउसिंग सोसाइटी है, उस सोसाइटी को पहले भी जमीन दी है, हमने 2 जगह जमीन दी है, एक अब तीसरी जगह और जमीन दे रहे हैं, उसका तो विरोध करना मेरे ख्याल, हमने सोसाइटी के नाम दिया ना कि किसी व्यक्ति के नाम पे दिया है, तो इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है।